हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम 3.6 एक्सरसाइज का जो है सेकंड वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका कौन सा पार्ट है? सेवंथ पार्ट है, तो इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें दिख रहा होगा ये दोनों साइड है, तो हम इसको जहां कुछ नहीं होता वन मान सकते हैं। तो इसमें साफ साफ आप क्या कर सकते हो, लेट वन अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड वन अपॉन में एक्स माइनस वाई, जो सेकंड पार्ट है ये, इसको क्या मान लेंगे आपका बी। अब यहां पर लिख देते हैं हम टेन ए प्लस में टू बी इक्वल टू फोर, और यहां पर हो जाएगा आपका 15a माइनस में 5b इक्वल टू माइनस टू। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन, तो हम इसको फर्स्ट और इसको क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट कोफिशिएंट्स देखोगे a के तो थोड़े बड़े हैं, अगर हम इसको 15 से और इसको 10 से करेंगे तो थोड़ा एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से बड़े कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम इनको चूज करते हैं। कि हम फर्स्ट इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है, अपोजिट उससे करते हैं 5 से, एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसको किससे करेंगे 2 से, एंड और क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या कर देंगे एंड एडिंग ऐड कर देंगे। अब हम करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये 50a हो गया, ये क्या हो गया आपका 5 टू जा 10 बी, 5 फोर जा 20, और इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा, इसको किससे करना है 2 से, तो 15 टू जा 30 ए एंड 5 टू जा 10 बी और माइनस 4। इस तरीके से हम देखेंगे हमने क्या कहा इसको ऐड, ऐड हमने किस बेस पे कहा था, तो बेटा ये शॉर्टकट है आपका, अगर अलग साइन आते हैं तो हम क्या करते हैं ऐड, अगर डिफरेंट आते हैं सेम आते हैं तो माइनस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 80a और यहां आ गया आपका 16, a कितना आ गया आपका 16 अपॉन 80 करोगे तो आप कितना आ जाएगा 1/5। अब क्या करते हैं हम पुट a इक्वल टू 1/5 इन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर फर्स्ट लेके चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा टेन इंटू में 1/5 प्लस में 2b इक्वल टू 4, तो 5 से इसे कैंसिल करेंगे 2, अब यहां पर हो जाएगा 2b इक्वल टू 2, उधर जाएगा आपका दूसरी कंट्री के अंदर, तो 4 में से 2 गया कितना बचा 2, तो b इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। इस तरीके से a और b की वैल्यू आ गई। अब हमने माना क्या था, यहां पर देख के चलते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/5 एंड 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, तो इसको 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनेगी x माइनस वाई, क्योंकि यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1। अब इसको हमने 1 और 2 तो मान रखा था, इसको हम क्या करते हैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ऐड कर देंगे, तो इसलिए थर्ड प्लस में फोर्थ इक्वेशन, इसमें दो बार करना पड़ रहा है हमें सम, x और x क्या हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल, और यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास 5 और 1 6, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। अब हम देखें इसमें कि पुट x इक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो यहां पर x के बजाय 3 प्लस में y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2। इस तरीके से हमारे पास x और y की दो वैल्यूज आ गई हैं। तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ ए पार्ट, इसमें क्या है आपका 1 अपॉन में, ये हमारा बूस्टर क्वेश्चन है, इसके अंदर स्टूडेंट्स एक तो सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन आएगी किस तरीके से है और किस तरीके से हमें लिखना चाहिए।
और ये कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी है, 1 अपॉन में 3x plus y, 1 अपॉन में 3x minus y is equal to 3 upon 4, तो 1 अपॉन में 2 और ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर minus 1 by 8 है। अब हमें वही करना है, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 1 अपॉन में 3x plus y है और यहाँ पर भी 1 अपॉन में 3x minus y है, तो इनको u और v मान के हम बता रहे हैं। अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस आपको a और b के हिसाब से करेंगे, ठीक है, हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों से पता होना चाहिए और एनसीईआरटी में यूवी का यूज भी कर रखा है, तो हम इसके तरीके से इसलिए बता रहे हैं आपको। अब इसमें क्या होगा, यू प्लस वी इज इक्वल टू 3/4 फर्स्ट, और इसमें क्या हो जाएगा यू, क्योंकि इसको हमने मान रखा है यू, इसको हमने मान रखा है यू, तो यू अपॉन टू आ जाएगा बेटा, यू अपॉन टू, और एग्जैक्टली इसी की तरीके से वी अपॉन में 2 यहां पर आ जाएगा इक्वल टू माइनस 1/8। इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर भी 2 हट जाएगा और यहां पर भी 2 हट जाएगा और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, तो इसलिए यहां पर 4 आ गया माइनस का 1/4। फर्स्ट इक्वेशन इसे माना हमने, सेकंड इसे माना। अब हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों, क्योंकि हमें ये दिख रहा है इसमें डिफरेंट साइंस है, तो डिफरेंट साइन में मैंने बताया था ऐड करने पर आप क्या है ज्यादा ध्यान देना, वैसे यू से भी कर सकते थे। तो अब हमारा क्या हो गया, यू जब ऐड करेंगे यू और यू कितना हो जाएगा 2u और v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो 3/4 है और यहां पर माइनस 1/4 है, लेस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3/4 में से, यानी 3 में से 1 गया तो क्या हो गया 2, तो 2/4, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को ऐड या लेस किया जा सकता है डायरेक्ट, तो इसलिए यहां पर 2/4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहां से क्या होगा, 2 से अगर 2 को कैंसिल कर दिया जाए तो हमारे पास u कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब पुट u इज इक्वल टू 1/4 किस इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो इस तरीके से ये इक्वेशन लिखना जरूरी है एग्जाम के अंदर, ये इसीलिए आपको तरीके से बताया गया 1/4 प्लस में v इज इक्वल टू 3/4, यहां हमने इसमें पुट कर दिया 1/4 दूसरी जगह पर गया तो 3/4 में से 1/4 जब लेस हो गया तो 2/4 आ गया, इस तरीके से हमारे पास यहां पर 1/2 आ गया, तो u और v दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। हम उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसको यहां लिख लेते हैं 1/4 आ जाता है, इसको यहां लिख देते हैं, वहां पर जो आपकी v की वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं 1/2। अब हमने देखा यहां पर भी 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, या आप दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर सकते हो, किसी भी तरीके से बता सकते हो, तो अब यहां पर आ जाएगा 3x plus y is equal to 4 और यहां पर आ जाएगा आपका 3x minus y is equal to 2, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये फोर्थ हो गई। अब देखिए हमने इसमें फिर प्रॉपर तरीके से लिखा है एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, यहां पर भी ऐड का रीजन यही है कि डिफरेंट साइन है, तो वाई से वाई हमारा क्या हो गया कैंसल हो गया और 3x क्या हो गया 6x एंड 4 और 2 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, या थर्ड इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x प्लस में, यानी कि x की जगह 1 लिखेंगे, प्लस में y इज इक्वल टू 4, तो y is equal to हमारे पास जो है ये 3 1 जा 3 हो गया, 4 में से 3 गया तो कितना रह गया हमारे पास 1, तो इस तरीके से हमारे पास x is equal to 1 एंड y is equal to 1, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर, यानी कि अब हमारे पास क्या है स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम आएंगी और इसमें तीन पार्ट है जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो एक पहला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रितु क्या करती है डाउनस्ट्रीम, तो सबसे पहले हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पता होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम क्या होता है कि जैसे रिवर आपका ये रिवर की डायरेक्शन है, अगर हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे कहेंगे डाउनस्ट्रीम, अगर इसके अगेंस्ट बोट चला रहे हैं या कुछ स्ट्रीमिंग कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे आपका अपस्ट्रीम, यानी कि उसके अगेंस्ट। तो ये कह रहे हैं कि अगर डाउनस्ट्रीम अगर रिवर के साथ साथ चलते हैं तो 20 किलोमीटर को 2 आवर्स में हम क्या कर लेते हैं कवर कर लेते हैं, लेकिन अपस्ट्रीम जब इसके अगेंस्ट चलते हैं
तो सही है इसके अंदर कि 4 किलोमीटर क्या है, 2 आवर्स का टाइम लगा, यानी कि जाते टाइम इधर की तरफ आपको 20 किलोमीटर के लिए 2 आवर्स का टाइम लगा, लेकिन अपोजिट साइड में 2 आवर्स में केवल 4 किलोमीटर का आप डिस्टेंस कवर कर पाए। तो अब इसमें हम क्या करें, सबसे पहले दो स्पीड्स होती है, एक तो बोट की स्पीड है, तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल का मतलब जब पानी चलता नहीं है, तो स्टिल वाटर में जो बोट उसकी स्पीड है वो क्या मान ली हमने, एक्स किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो। अब क्या है हमारा, द स्पीड ऑफ द करंट या स्ट्रीम, यानी कि जो नदी की धारा है उसकी स्पीड क्या है, उसको हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम में देखते हैं, अपस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम का मतलब रिवर के साथ, यानी कि एक तो बोट की स्पीड आएगी और उसके साथ आपका क्या है, रिवर की स्पीड भी होगी, तो उसको ऐड कर देंगे। रिवर की स्पीड क्या है, y है, तो x प्लस में y किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम में है। अप स्ट्रीम में आपको बता दिया वो स्पीड को रोकेगी, तो यहां पर आपका माइनस हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x माइनस y। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारे पास टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बहुत सारे स्टूडेंट इन बेसिक्स को गायब कर देते हैं, इसकी वजह से इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है आपका, सबसे पहले इन्होंने कहा है 20 किलोमीटर, और किस पोजीशन में कहा है आपसे, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम है हमारे पास एक्स प्लस वाई, और टाइम कितना लगता है 2 आवर्स का। एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम हमने क्या माना था, एक्स माइनस वाई, और इक्वल टू यहां पर भी 2 आवर्स लगते हैं। तो हम देखते हैं आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम इसको क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई को इधर ले आते हैं और 2 को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। और ऐसा ही अगर हम एक्स माइनस वाई को इधर ले आते हैं और 2 को नीचे ले जाते हैं, तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशंस को, अगर वाई को वाई से कैंसिल करते हैं, एक्स और एक्स 2x हो गया, और यहां पर हो गया आपका 12, तो x कितना आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर, आप साथ में लिख सकते हो। और अब x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6 इन x प्लस y इज इक्वल टू 10, अगर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 6 है, तो हमारे पास क्या होगा, 6 प्लस में y इक्वल टू 10, देयरफॉर वाई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। तो हम इसका आंसर लिखेंगे आपका कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड स्टोरी। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेन चीज है आपका, ये बेटा बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 150% ये आता ही है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। 2 वुमेन एंड 5 मैन, और वो 4 दिन में काम को खत्म कर देते हैं, और 3 वुमेन एंड 6 मैन है, वो मिलके 3 दिन में, ज्यादा पर्सन हो गए तो जल्दी काम को खत्म करेंगे 3 डेज में।
फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वूमेन, यानी कि एक वूमेन कितना टाइम लेती है उसको खत्म करने में और आपका मैन कितना लेता है। तो इसमें आएगा लेट द टाइम टेकन बाय वन वूमेन अलोन एक्स डेज, यानी कि एक काम को फिनिश करने में एक्स डेज, एंड लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश भी लिख सकते हो इसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश द वर्क इन वाई डेज, दोनों जगह पे इसका यूज कर सकते हो। अब हमारा जो मेन लॉजिक है इसमें देखते हैं कि जो आपका वन वूमेन है वो एक्स डेज में काम करती है, वन वूमेन एक्स डेज में कितना काम करती है, एक काम, तो हमें वर्क के बेस पर चलना है। तो वन डेज वर्क, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वूमेन के बारे में। तो वूमेन का वन डेज वर्क कितना हो जाएगा आपका, वन अपॉन में एक्स, तो ये लिख तो लिया ठीक है। अब मैंस के बारे में क्या है, वन डेज वर्क या आ गया वन अपॉन में वाई। इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमारे पास ये आया, इससे पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, टू वुमेन एंड फाइव मैन। बेटा मैं शॉर्ट में लिख लू, आप इसको लॉन्ग में लिखेंगे, मेंस वन डे वर्क इक्वल टू वन बाय फोर। तो ये हमने जो है फोर डेज का वन बाय फोर लिखा है, यही अभी हम समझने की कोशिश करेंगे ये सारे अकाउंट में कैसे चलेंगे। अब क्या है आपका सेकेंड पार्ट में, टू वुमेन एंड सिक्स मैन वन डेज वर्क इक्वल टू वन बाय थ्री। इसको एक हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, इसमें क्या है आपका कि भाई अगर जो है आपका वन वर्क को हमें फिनिश करने में कितने डेज लगते हैं, टू डेज, कितने दिन लग रहे हैं, दो दिन। तो अगर हम इसमें यह देखें कि एक काम को दो दिन में लग रहा है, तो इसका मतलब एक दिन का जो हमारा काम है वो हम कितना कर पा रहे हैं, हाफ, कितना काम कर पा रहे हैं, हाफ। भाई अगर हम जो है एक काम को दो दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में हाफ ही वर्क कर पाएंगे और हाफ दूसरे दिन में, इस तरीके से पूरा काम दो दिन में हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या किया आपका, वर्क यानी कि हाफ वर्क, कितने उसमें आपका वन डे में। तो एक दिन का काम यानी कि हमारा क्या हो जाता है, डेज जो है वर्क के अकाउंट में आ जाते हैं। इसी तरीके से यहां पर हुआ, यहां पर आपका क्या था, एक्स लिखा हुआ है, तो इसलिए वर्क तो वन ही रहेगा और ये डेज है तो वन अपॉन में एक्स, और इसी तरीके से यहां पर भी आपका वन जो वर्क है वो ऊपर है और नीचे क्या है, अब वहां से साफ साफ देख सकते हो ये वर्क है ये डेज है, तो ये डेज आ गया, इसमें भी डेज नीचे आ गए, इसमें भी डेज नीचे आ गए। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्रिएट हो गई है। अब हम देखते हैं समझने के बाद कि यहां पर क्या होगा, टू वुमेन है और फाइव मैंस है, तो क्या होगा आपका, वन वुमेन का वर्क क्या है, वन बाय एक्स, तो टू वुमेन का क्या हो जाएगा, टू बाय एक्स, और इसी तरीके से मैन का हो जाएगा फाइव डेज का फाइव अपॉन वाई वर्क इक्वल टू वन बाय फोर। ये स्टूडेंट ज्यादातर नहीं बता पाते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब हमारा जो सेकेंड इक्वेशन बनी वो क्या बनी, थ्री अपॉन में एक्स प्लस में सिक्स अपॉन में वाई इक्वल टू वन अपॉन में थ्री। अब हम इसमें क्या करते हैं, वन अपॉन एक्स को तो ए मान लेते हैं और वन अपॉन वाई को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो यहां पर अब हमारे पास क्या होगा, टू ए प्लस में फाइव बी इक्वल टू वन बाय फोर एंड 3a प्लस में 6b इक्वल टू 1 बाय 3। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग इक्वल करने की कोशिश करते हैं, यहां पे 3 आया, यहां पे 2 आया। अब 3 2 जा 6a प्लस में 3 5 जा 15b इक्वल टू 3 बाय 4। 2 से करा 6 से प्लस में
12b is equal to 2 by 3। तो हमारे पास ये कैंसल हो गया है और यहां पर आ गया 3b, और यहां जो है 3 by 4 में से अगर लेस करते हैं हम 2 by 3 तो कितना आएगा, 3 4 जा 12 और 9 माइनस में 4 2 जा 8, यानी कि 1 by 12। तो b हमारे पास जो आया 1 by 36 आया। अब हम इसको क्या करते हैं, किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, b is equal to 1 by 36 किसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 3a प्लस में 6 इनटू में 1 by 36 is equal to 1 by 3। तो हमने देखा यहां पर आया आपका 6, तो 3a is equal to 1 by 3 और माइनस में 1 by 6। तो हम यहां पर देखेंगे आपका 18 तो नीचे आ गया है और ऊपर क्या चला गया, 6 और 3, तो 6 माइनस में 3, इसका मतलब आपका आया 3 by 18। 1 by 6 भी आप इसको लिख सकते हो, 1 by 6 हमारे पास आया। तो यहां से जब हम क्या करते हैं आपका 3 को लेके जाते हैं तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 नीचे जाएगा तो 1 by 18। तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू 1 by 18 आ गई, b की कितनी आ गई, लेकिन हमने माना क्या था, इस तरीके से माना था। तो हम यहां पर क्या करते हैं, 1 by x is equal to a आया हमारे पास 1 by 18 एंड 1 by b y is equal to आया आपका ये 1 upon 36। तो जब आप इसमें 1 से 1 को कैंसिल करोगे, x is equal to 18 आ गया और y is equal to क्या आ गया, 36। तो यानी कि आपका जो इसका आया x days, मतलब इसमें आ गया 18 days, x की वैल्यू आ गई 18 days, और जो आपका इसकी वैल्यू आ गई वो आ गई 36 days। इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखोगे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब थर्ड स्टोरी, इसमें क्या है आपका, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन, यानी कि कुछ पार्ट वो ट्रेन से ट्रेवल करती है, कुछ बस से करती है। तो और इसमें क्या करते हैं कि कहते हैं कि अगर 4 आवर्स का टाइम लगता है तो उसमें 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बस से। तो आपको पता है 300 है तो 60 और 240 आएगा इसके अंदर। एक सेकेंड कंडीशन है उसमें 100 किलोमीटर ट्रेन से दे रखा है बाकी बस से, तो टोटल 300 जा रहा है तो 200 आ जाएगा। तो अब हम इसे देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ये हमारा क्या है, बूस्टर क्वेश्चन है, इसमें एक तो हमारी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाती है सॉल्व को देखने से, और दूसरा क्या है, कुछ लिखने का तरीका भी, प्रेजेंटेशन हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो देखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर, इन्होंने पूछा स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, तो एक को x मान लिया और स्पीड ऑफ बस किस को मान लिया आपका y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी आपने देखा था 60 है, तो ये x कहां से है आपके, इसके बारे में बात करते हैं। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये डिस्टेंस है 60 अपॉन में स्पीड कितनी है, x हमने मानी है, तो 60 अपॉन में ट्रेन का इशू है। बस कितना है आपको पता है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 300, तो 240 अपॉन में y और इक्वल टू 4 आवर्स का टाइम, क्योंकि हमने टाइम का ही फॉर्मूला लगाया इसलिए दूसरी साइड में टाइम ही आएगा। अब हम सेकंड इसमें देखते हैं, 100 ट्रेन से है तो 100 बाय x, ट्रेन का कनेक्शन x से है, और प्लस में 200 अपॉन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कह रहे हैं आपसे 10 मिनट ज्यादा लगेगा, यानी कि 4 hours 10 minutes। तो 4 आवर्स और 10 बाय 60 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा यहां पर 1 बाय 6। तो आपका ये 10 मिनट की वजह से लिखा है स्टूडेंट, 10 अपॉन में 60, क्योंकि आपका एक जो मिनट होता है, यानी कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं आपके 60, तो 4 और यहां पर आ गया 10 अपॉन 60, इसको कैंसिल करेंगे, 4 6 जा 24 और 125 बाय 6। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब लेट 1 by x, इसमें क्या है, 1 by x को u मान लेंगे और 1 by y को v मान लेंगे।
अब जो है इसमें क्या है, 60 u हो गया और ये 240 v हो गया, इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट में क्या हुआ आपका कि यहां भी 100 u हो गया प्लस में 200 v हो गया और यहां पर आ गया 25/6। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को क्या है 5 से मल्टीप्लाई किया और जो है वहां पर आपका किससे किया, आप सबसे पहले देखिए हमें मतलब 5 से किया और इसको किससे किया आपका 6 से मल्टीप्लाई किया। इसका रीजन क्या है, हमने v को कॉमन करने की कोशिश की। देखिए जरा 240 अपॉन में 200 मान लिया, एक मिनट के लिए कंसीडर करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि हमने इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो ये ठीक है आपको आना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा इसको समझा भी देते हैं। यहां पर क्या है आपका 4, 6 जा 4, 5 जा। तो स्टूडेंट्स ये कई टीचर्स नहीं बताते हैं, तो इसमें क्या है 6 और 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें पता है। हमने इसलिए फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको 5 से कर दिया और नीचे वाली को किससे कर दिया, अपोजिट से करते हैं तो 6 से कर दिया। तो जब हमने 5 और 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डिजिट्स यहां की जगह पर ये आ गई। अब क्या है आपका 300u में से 600u को जब लेस किया तो माइनस क्या आ गया 300u, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, और 20 में से 25 को लेस किया तो माइनस 5 आ गया। अब हमारे पास जो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, u इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 300 अपॉन में चला जाएगा, तो आप जब कैंसिल करोगे 1/60 आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये लिखी हुई है, हमने क्या किया यहां पर इसमें 1/60 पुट कर दिया u की जगह, तो 60 इंटू में 1/60 प्लस में 240 v इज इक्वल टू 4। तो यहां पर भी आपका ये कैंसिल हो गया, यहां बचा 1, तो 4 में से 1 जब लेस हुआ तो 3 आ गया और 240 से उसे डिवाइड कर दिया। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/80। तो 1/x आपका जो है 1/60 के, क्योंकि हमने यहां पर क्या मान रखा था 1/x u को, तो u के बदले हमने क्या लिख दिया 1/60, 1/y इज इक्वल टू v, तो v के बदले हमने लिख दिया 1/80 जो हमारे पास आया है। स्टूडेंट इसमें भी कई बार मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना आप। अब यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, x कितना आ गया 60, तो x हमने क्या माना था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है आपका यहां से भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, y कितना आ गया 80, तो स्पीड ऑफ बस कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आज का वीडियो हमारा जो है फिनिश हो चुका है। स्टूडेंट्स आई होप आपको सारी एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी थर्ड चैप्टर की। अब आपके लिए फोर्थ चैप्टर की वीडियोस बनाने की तैयारी करते हैं और उसको भी जल्दी से लेके आते हैं जिससे आपका कोर्स आगे चले। और आई होप आप मैथमेटिक्स सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।